गोभी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक 350 ग्राम का एक फूल लिया था गोभी का, जिसके इस तरह से फूल बड़े बड़े अलग कर लिए हैं। 3 आलू जिन्हें मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट किया है, क्योंकि अभी हम इन दोनों सब्जियों को फ्राई करेंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करिएगा। आइए इन्हें अब फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म है, इसमें से अच्छी सी हीट आ रही है। हमें अपने आलू गोभी फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। आलू और गोभी दोनों को हम अलग अलग करके फ्राई करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हमें आलू को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, आइए अब अपनी गोभी फ्राई करते हैं। गोभी को भी हम हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए गोभी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, आइए इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। देखिए आलू और गोभी मैंने दोनों को फ्राई कर लिया है, हमारी गोभी अब काफी सॉफ्ट हो गई है। आइए अब इसके लिए ग्रेवी रेडी करते हैं। आलू गोभी फ्राई बनाने के लिए एक कढ़ाई लीजिए। कढ़ाई में सबसे पहले मैं 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है, ऑयल को गर्म होने दीजिए। ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा। अब सभी खड़े मसालों को हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है, हमारे सारे खड़े मसाले अच्छे से भुन गए हैं, जीरा भी चटकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून हींग। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 3 बारीक कटी हुई प्याज। अब हम प्याज को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक कट किया है, 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कट की हुई, इसे मिला देंगे। आप यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हम प्याज को रेड होने तक भूनेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक डालने से हमारी प्याज जल्दी से भुन जाती है। अब प्याज को रेड होने तक भून लेते हैं। देखिए प्याज हमारी रेड होनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। मसाले ऐड करते समय हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हम थोड़ा सा ज्यादा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी कम होती है, इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा डाली है। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। सभी मसालों को मिला लेते हैं। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून, जिससे कि हमारे मसाले जले ना। अब हम मसालों को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है और हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया मसाला हमारा रेडी हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टमाटर की प्यूरी। आप यहाँ पर टमाटर को छोटा छोटा कट करके भी यूज कर सकते हैं। टमाटर को सभी मसालों के साथ मिला लेते हैं। 4 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को मैंने अभी ऐड किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐड करने से लाल मिर्च काली पड़ जाती है, उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, इसलिए अभी ऐड किया है। अब हम टमाटर को सभी मसालों के साथ भून लेंगे, जब तक कि टमाटर में से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट नहीं हो जाता। देखिए हमारा टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल भी रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं जब टमाटर के ऊपर आपको ऑयल अलग से दिखाई देने लग जाए, तो इसका मतलब है कि हमारा टमाटर बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 चम्मच दही, जिसको मैंने फेंट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। इस स्पून से मेजरमेंट करेंगे तो मैंने 4 टेबलस्पून दही लिया है। दही को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। आज हम जो आलू गोभी फ्राई बना रहे हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया ग्रेवी रेडी हो रही है। दही हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सभी चीजों के साथ मिल गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी,
बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे हम इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी का अपना अलग ही फ्लेवर है, इसे जरूर डालिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। कसूरी मेथी से हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून सब्जी मसाला। सब्जी मसाले की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर किचन किंग भी यूज कर सकते हैं। सब्जी मसाला की रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। सब्जी मसाले से हमारी जो सब्जी है उसका टेस्ट एकदम डबल हो जाता है। बहुत ही बढ़िया हमारा ये सब्जी मसाला है, एक बार इसकी रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। मीडियम फ्लेम पर एक बॉईल आने का वेट करते हैं। देखिए ग्रेवी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला को हम लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि गरम मसाले में एक अलग ही खुशबू होती है जिससे हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने पहले ऐड किया था, 1/2 टीस्पून अब ऐड कर रही हूँ। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 मैंने हरी मिर्च ली है जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, उसे भी हम इसमें मिला लेंगे। और अब सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए सभी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गई है। अब हमने जो अपने आलू और गोभी को फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आलू और गोभी को सभी चीजों के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए मैंने सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट के लिए एक लिड से कवर कर दीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, आइए अपनी सब्जी चेक करते हैं। वाओ सुपर्ब, ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया आलू गोभी फ्राई बनी है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता क्योंकि हमने आलू और गोभी को पहले ही फ्राई कर लिया था। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। देखिए हमारा कितना बढ़िया आलू गोभी बनी है, ये देखिए। आइए इसे सर्व करते हैं। देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोभी फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे लंच में, डिनर में, रोटी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।